बागली विधानसभा में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के अधीन जो शौचालय चल रहे हैं, उन शौचालयों की हालत बहुत ही खस्ता है। शौचालय में किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। वार्ड नंबर 20 की संजय कॉलोनी के शौचालय की हालत जब देखी गई तो पाया गया कि शौचालय में दरवाजे भी नहीं है और गंदगी की तो भरमार लगी है। और आज जो दरवाजे ठीक भी हैं उनमें बैठकर सिर्फ नशेड़ी नशा करते हैं, जिससे शौचालय आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ बादली गांव एक्सटेंशन में बसी झुग्गी बस्ती में जो शौचालय बना हुआ है, उस शौचालय की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब है। वहां के लोगों का कहना है कि यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है और साथ ही यहाँ सारे दरवाजे भी टूटे फूटे हुए हैं। महिलाओं ने बताया कि पुरुषों को दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हम महिलाओं को शौचालय जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दरवाजे सही तरीके से नहीं होने की वजह से हम लोगों को बहुत परेशानी होती है। और साथ ही लोगों ने यह भी बताया कि हमारे यहाँ लगभग 1200 झुग्गियां हैं, जिसमें लगभग 6000 लोगों की संख्या रहती है, लेकिन इस शौचालय में सिर्फ 20 टॉयलेट पुरुषों के लिए और 20 टॉयलेट महिलाओं के लिए है, जिसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। जबकि हम लोगों ने भी इस तरीके से वोट दिया जिस तरीके से पक्की कॉलोनी वाले देते हैं। चुनाव के समय तो लगभग सभी नेता वोट मांगने हमारी झुग्गियों में आ जाते हैं, लेकिन जब हमें किसी सुविधा का अभाव होता है या कोई परेशानी होती है तब कोई भी नेता हमारी सुनते ही नहीं है।